नमस्ते नमस्ते मैम आप कैसे हैं मैं बहुत अच्छी हूँ मैम आज आप हमारी ऑडियंस को क्या-क्या सिखाने वाली है थोड़ा सा वो बता दीजिए ऑडियंस में एक एंजाइटी चल रही थी जब मैंने वीडियो रिलीज किया था ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग का कि हम इसे कैसे कर सकते हैं तो देखिए एस पर कुछ सेबी गाइडलाइंस मैं ऑनलाइन क्लास कर सकती हूं लेकिन वहां पे मैं ऑनलाइन लाइव यूट्यूब पे थोड़ा मुझे डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि मैं सभी रजिस्टर्ड हूँ और मैं सिखाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ तो आज की जो ट्रेड हमने सेशंस में लिए थे उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास है प्लस उसको कैसे लिए थे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी अरे वाह मैम अब तो ऑडियंस को बिल्कुल पता चल जाएगा आपका आप कैसे खुद ट्रेड लेती हैं एंड कैसे लोगों को सिखाती हैं इससे अच्छा क्या ही होगा हाँ कोशिश करते हैं लेट्स सी बिल्कुल मैम मैम ओवर टू यू प्लीज सो नमस्ते फ्रेंड्स आज ऐसा ट्रेड्स बहुत बार मिलता है मुझे और जब मुझे मिलते हैं आज जैसे डेज मैं उन्हें छोड़ती नहीं हूँ भले ही कम मिलते होंगे लेकिन मिलते हैं और जब भी मिलते हैं तो मैं छोड़ती नहीं स्ट्राइक रेट भले ही सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट होगी लेकिन जब होती है तो बहुत मज़ेदार होती है एंड आई रियली एंजॉय इट आई एम अ जनरली बायर ऑफ ऑप्शन और मैं ओ में काम करती हूँ दूसरी बात मैं करंट एक्सपायरी ट्रेड ना के बराबर करते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आइदर मंथली और एटलीस्ट एक नेक्स्ट एक्सपायरी तो मेरे हाथ में थोड़ा टाइम रहेगा प्रॉफिट कम आएगा तो लॉस भी कम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉप लॉस भी छोटा ही लगेगा ना अगर प्रॉफिट कम आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अल्टीमेटली प्रॉफिट आने से मतलब है छोटे बड़ा तो बहुत दू... वो दूर की बात है आज बाद में देखेंगे लेकिन पहले प्रॉफिट सबकी एक ही इच्छा है कि प्रॉफिट आना शुरू हो जाए कैसे भी हम घर में प्रॉफिट लाना शुरू कर तो दे था खास करके जब ये गैप अप ओपन हाई होता है और गैप अप ओपन हाई होके मार्केट में मतलब कुछ तो ऐसा पॉजिटिविटी थी कि मार्केट गैप अप हुआ था लेकिन ऐसा क्या हुआ कि होते गैप अप होते ही उसमें सेलिंग प्रेशर आ गया और उसने ओपन हाई जैसा माहौल बना दिया मतलब मैं वहां से शॉर्ट कर सकती हूँ और नीचे जा सकते हैं हम लोग पुट खरीद के निफ्टी में तो आज एकदम क्लियर कट मस्त ओपन हाई था निफ्टी में भी करीब करीब थोड़ी देर वहीं झूलता रहा तो इसलिए निफ्टी में क्लैरिटी नहीं थी बैंक निफ्टी में पुट में ट्रेड था बाद में उसमें मुझे कॉल में ट्रेड कोई खास नहीं मिला लेकिन निफ्टी में जो मुझे कॉल में ट्रेड मिला वो एक ऐसा ट्रेड होता है क्या होता है कि आप कभी भी नोटिस करिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर मार्केट ओपन होता है और नीचे चला जाता है और वहां से वो बिफोर वन ओ क्लॉक के आसपास कवर कर जाता है मतलब या भी ओपन हुआ वो पूरा नीचे गया वह, वहाँ से वापस ऊपर आया और जितना गिरा था उतना कवर करके वहाँ से ऊपर जाने लगे तो वो उतना ही लगभग कवर कर जाता है ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग में भी बताया था इट इज इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग ओनली आई विल शो यू अगेन टूडे क्या आप भी मेरी तरह स्विंग इंट्राडे और ऑप्शन तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो तो अपसर्स डॉट क्लब मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं 500 से भी ज़्यादा लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं सो so, आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ओपन होता है मार्केट फिर ऐसे नीचे जाता है और बिफोर वन ओ क्लॉक के आसपास ये इसका हाई ब्रीच कर जाता है पॉसिबिलिटी गिरा था उतना ऊपर जा सकता है। And friends, अगर मैं इसे ट्रेड करूं तो स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही रह जाता है तो हमारे पास दो वैरायटी के इंट्राडे हो गए आज तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम जो इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं विद फाइव बी एम बैंड से वो भी मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में आप चेक करिए इंट्राडे स्कैल्पिंग विद तो, स्कैल्पिंग क्या बोलते हैं एक्चुअली स्कैल्पिंग नहीं बोलूंगी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग ही बोलूंगी तो so, उसके बेस पे एक ट्रेड लिया था और उसी को कंटिन्यू करते 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 हमने या यहाँ तक हम पहुंच गए सेम चीज कभी मार्केट ऐसे गैप डाउन ओपन होता है से गैप डाउन ओपन होता है फिर ऊपर जाता है और वापस ऐसे नीचे आ जाता है और इसको ब्रीच कर जाता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जितना ऊपर गया था उतना नीचे जा सकता है ये हम एक बजे के पहले क्यों कहते हैं जिससे क्या है कि इंट्रा डे हमको चाहिए कि उसमें सेम डे मूवमेंट आ जाए अगर नहीं आई तो भी हम उसको स्क्वेयर ऑफ करके ही जाएंगे स्टॉप लॉस इज अ स्टॉप लॉस बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके बिना हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे दूसरा मेरा एक रूल रहता है कि मेरा सपोज करो मैंने आज जैसे लिया था अराउंड अबाउट कुछ नाइन्टी फाइव में लिया था और अगर मेरा उसका स्टॉप लॉस एटी है तो मैं फिफ्टी परसेंट जो है वो एक सौ दस के आसपास बुक कर लूंगी जिससे क्या है कि मेरा जो ये पंद्रह रुपए का एस है वो यहाँ पे पंद्रह में मेरे को कवरेज मिल गई अब एटलीस्ट मुझे स्टॉप लॉस का तो टेंशन नहीं है हिट एंड गो दिस इज इन द सिस्टम हिट एंड गो मींस इन द सिस्टम मेरा कोई भी और हिट एंड गो मेरा कोई भी स्टॉप लॉस माइंड में नहीं रहेगा इट विल बी इन द सिस्टम तो अगर उतना मेरा कवर होके बाकी का भी अगर मेरा हिट एंड गो बाय चांस हो जाता है तो मैं कंप्लीटली लॉस में नहीं हूं कंप्लीटली प्रॉफिट में भी नहीं हूं मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाऊंगी जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहली इच्छा यही होती है कि भाई मुझ मैं एटलीस्ट लॉस तो नहीं करूं कुछ ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैं कंप्लीटली एग्जिट कर दू एग्रीड आगे की चीज आगे का रेट देखने के बाद तो कोई भी बोल सकता है कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता था लेकिन जो मैंने अपने रूल्स बनाए हैं वो इस तरह से ये मेरे रूल्स बनाए हुए हैं फिर मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो जहां पे इसका ये टारगेट करीब आ जाता है वहां पे मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट के आसपास और बुक कर लेती हूँ मैथमेटिकली नहीं लेकिन उसके आसपास और बैलेंस ट्वेंटी करती हूँ मैं स्ट्रॉप करती हूँ सीधे तो जाता नहीं है ये ऐसे ऐसे करके जाता है जो प्रीवियस स्विंग लो होगा उसके नीचे मेरा हिटर्न गो एस एल शिफ्ट हो जाएगा यहां से यहां तक और इस तरह से मैं ट्रेड करते करते निकल जाऊंगी ओके okay? तो चलिए आज मैं ऐसा ही एक ट्रेड आपके साथ मैंने जैसे जैसे ट्रेड लिया था वो स्क्रीनशॉट लिया था उसका और वो आपके लिए तैयार किया है देख लीजिए आप तो यहाँ पर ये हमारा इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है बनाई थी कि मैं फाइव ई का बैंड लेती हूँ ये पहला वाला जो मुझे बाहर क्लोज चाहिए फिर उसके ऊपर का हाई ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूंगी तो मैंने यहाँ पे बाय किया है ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बाय लिखा है यहाँ पे बाय किया है ये ये उस टाइम ट्वेंटी फोर नाइन फोर सिक्स इसके सामने मैंने क्या किया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड का कॉल लिया था लेकिन कब का लिया नाइनटीन सेप्टेम्बर का लिया मैंने कहा ना मैं करंट एक्सपायरी ट्रेड नहीं करती हूँ मैं ओटीएम ट्रेड करती हूँ कम अमाउंट होगी कम पैसा आएगा नो no प्रॉब्लम मैं बड़ा ट्रेड करने की कितना भी बोल दो एटीएम पे और पे मेरा हिम्मत आज भी नहीं होता है चाहे कोई कुछ भी समझ ले कुछ भी बोल ले मैंने अपने रूल सेट किए हुए हैं और मैं तो ये कहती हूँ कि जिसको जितने रूल सेट करने हैं वो अपने रूल सेट करके और उसकी उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले तो मेरे अपने बनाए रूल्स हैं उनको मैं अपने तरीके से आपको समझा रही हूँ यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया तो ये मेरा हिटन को आता था पंद्रह रुपए का जो मैंने फिफ्टी परसेंट में बुक कर लिया अब उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट बराबर मूव करते जा रहा है जो यहाँ पे मेरा फिफ्टी परसेंट करीब कवर हो गया आप लोग को दिख रहा है एंड इफ हाई ब्रेक्स बिफोर वन वन थर्टी देन कंटिन्यू होल्डिंग बैलेंस फिफ्टी परसेंट देन कंटिन्यू बैलेंस फिफ्टी परसेंट राइट और आप देख लीजिए लाइव स्क्रीन शॉट है इलेवन फोर्टी फोर का उसके बाद डे हाई क्रॉस किया इलेवन फिफ्टी एट को लाइव स्क्रीन शॉट है जब डे हाई क्रॉस कर दिया बिफोर वन वन थर्टी तो आई विल कंटिन्यू विद द बैलेंस 50 परसेंट ऑफ माई कॉल्स इज इट क्लियरली विजिबल या इसके बाद ये देखिए ये मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है मैंने जैसे अभी आपको यहां पर बताया कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ये यहां आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है तो जब भी ऐसे होता है मार्केट मैं छोड़ती नहीं हूं मैं उसे करती हूँ किया ये मूव हो गया अब मेरा टीएसएल हिटन को यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने पहले तो राइट जा। और उसके बाद आगे चलते हैं क्या हुआ है देखते हैं ये देखिए हाई क्या बनाया है टाइम है एक बज के वन ओ क्लॉक वन फोर्टी वन हाई क्या बनाया टू फाइव वन टू एट इसके बाद इसने टू फाइव वन थ्री जीरो तक भी गया एग्जैक्टली exactly. लेकिन मैं यहाँ पे ट्वेंटी जब मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था तो मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट और एग्जिट हो गई थी अप्रोक्सीमेटली वन फोर्टी का रेट था आई एम वेरी हैप्पी नाइनटी फाइव का लिया हुआ ऑप्शन अगर मेरा ट्वेंटी फाइव परसेंट भी वन फोर्टी में चला जाता है अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है ये जो स्विंग लो बनती है इफ यू सी दीज आर द्वट ये जो स्विंग स्विंग्लो बनती है मैं आपको दिखाती हूं अगर आप देखो तो मार्केट ऐसे स्विंग ब्लो बना रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस फुल एंड फाइनल यहाँ पे एसएल हिट एंड गो हो जाएगा नो इफ नो बट ओनली स्ट्रेट अवे हिट एंड गो दिस इज हाउ आई ट्रेड एकदम कड़क रूल्स हैं और मैं इस कड़क रूल के साथ ही ट्रेड करती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको ये पूरा ट्रेड ओवरऑल जब मैं दिखाती हूँ इन मार्केट तो यहां से देखिए मैंने लिखा है पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है वही चीज देखिए हिट एंड गो बैलेंस एग्जिट हो गया था उसके और वो मैंने पहले ही बता दिया और मार्केट वापस नीचे आ गया 25 200 का कॉल ओटीएम एक्सपायरी ये अपना 19 सितंबर जो भी है 19 सितंबर 18 सितंबर 19 सितंबर व्हाट एट वो बैंक निफ्टी का कभी-कभी याद रहता है 25 सोल्ड हाफ हाफ सोल्ड मतलब 50% सोल्ड एट 1114 क्यों मैंने कहा ना रुपए के हिसाब से मेरा एसएल था तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा और ज्यादा करके हो गया मेरा ट्वेंटी फाइव परसेंट एट वन फोर्टी बैलेंस वन ट्वेंटी सेवन एग्जिट ओवरऑल मैं मानती हूँ कि मुझे कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं आया होगा 120 का एवरेज आया बट 95 में लेके अगर मैं 120 में निकल जाती हूँ इन अ डे आई डोंट थिंक दैट इज अ बैड डील हाँ कभी कभी ऐसा मौका आता है कि सौ एक रुपया भी मिल जाए लेकिन आज वैसा उतना नहीं था तो भी अगर थर्टी थर्टी फाइव रुपीज फोर्टी पॉइंट मतलब इतना मिल है options में तो क्या बुरा है इतना लेके अगर हम निकल जाए तो इट्स क्वाइट इजी बैंक निफ्टी में मुझे चांस नहीं मिला उसमें मुझे शॉर्ट के लिए पुट का चांस मिला बट आई वॉज वेरी बिजी इन दी मैं स्क्रीन शॉट नहीं ले सकती क्योंकि क्लास चालू थी वो टाइम पे एंड आई वॉज बिजी इन दैट आई वॉज टेकिंग द ट्रेड उनको सिखा रही थी तो वो टाइम पे मैं ट्रेड नहीं ले पा रही थी तो ये जो है मेरा सेशन एक सेशन खत्म हो गई दूसरा सेशन जब स्टार्ट होने वाला था तब ट्रेड लिया था और फिर बाद में मुझे स्क्रीन लेने का चांस मिल गया कंटिन्यूटी में तो मैंने स्क्रीन ले लिया और ये जो चांस है मतलब क्या हुआ मार्केट ओपन हुआ नीचे गया वापस देखिए फॉर्मेशन देखिए आप यही फॉर्मेशन बना है जो मैंने आपसे कहा है ऑलमोस्ट और फिर हम क्या करते हैं यहां से ये प्राइस रेंज निकालते हैं कितना प्राइस रेंज है वन वन फोर ये देखिए वन वन फोर व्हाट से बस इसी का बेनिफिट हम ले लेते हैं मजे करते हैं दैट्स ऑल आई कैन से इसके लिए इससे रिलेटेड आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है आप में मैम किसी का कमेंट है कि बीच ओटीएम पार और नहीं है दिस इज ओटीएम ना अगर आपका स्पॉट चल रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो मैंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड लिया है और नेक्स्ट थर्सडे एक्सपायरी आपको दिखा देती हूँ ऑप्शन का भी चार्ट है मेरे हाथ में वो भी आपको गाइड कर देगा इट्स नाइनटीन सेप्टेम्बर वही मैंने कहा ये देखिए ये मेरा बाई पॉइंट आपको बता रही हूँ नाइन्टी रुपीज का नाइन्टी फाइव में मेरे हाथ आया है ना यहाँ पे बाय करते करते थोड़ा स्लिपेज हो गया और ये स्टॉप लॉस यहाँ का स्विंग लो अब ये मैंने कैसे लिया स्विंग लो यहाँ पर ये जो स्विंग लो हुआ है इस बैंड को टच किया है तो मैंने इसके हिसाब से ले लिया एटी और उसके अकॉर्डिंग मूव करते गए और यहाँ तक आके हमने मैंने यहाँ पे एकदम वहां के यहाँ के टॉप में और कैश के स्पॉट के हिसाब से टॉप में थोड़ा फर्क पड़ता है तो मैंने 140 में, में मेरा निकाल दिया और बैलेंस स्विंग लो के हिसाब से मैंने 127 ट्वेंटी सेवन यहाँ पे अलग था वहाँ यहाँ पे अलग था तो मैंने 127 में ये भी एग्जिट कर दिया सेम वे से ये हमारा चार्ट चलता गया एंड हाउ ब्यूटिफुली कोई भी एक भी कैंडल बैंड के नीचे बंद नहीं हुई है इवन इन ऑप्शन अगर ऑप्शन में देखा जाए यहाँ बंद हुई है लेकिन आई वॉज विथ स्पॉट तो स्पॉट के हिसाब से फाइनली मेरा 127 पे क्लोज हो गया अब इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए ये ऑप्शन का चार्ट है और ये मैं साथ में ही रखती हूं ऑप्शन और स्पॉट